नहीं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे जाके देखना होगा। दी रुक जाओ, मैं दृष्टि। ये क्या कर रही है? कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रही? मिस्टर शेगल को कुछ होगा तो नहीं ना दीदी? मिस्टर शेगल, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। दीदी माता ने जय हो, जय हो, जय हो, शैतान की जय हो। हो गया, मुझे पाताली का दिल आ गया। मेरी जान, मेरी जिगर की टुकड़ी, मेरी पत्तू, वापस आ गई तू, वापस आ गई मेरी पाताली। हम चलते हैं। पाताली! पाताली! हम तुझे कभी जीता नहीं देंगे। तेरे पास ऐसे हजार दिल आ जाए, हम वो भी तुझसे छीन लेंगे। हम ये दिल तेरे हाथ तो नहीं लगने देंगे, कभी नहीं। तो मुझ में और भी ज्यादा शक्ति आ गई है। अब तुम दोनों मुझे नहीं मार सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों को मार सकती हूँ, क्योंकि अभी रात बाकी है। शाची, चल पास आ ले। अभी रात खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस रात के खत्म होते ही ये दोनों खत्म हो जाएंगी, मर जाएगी। चुप चुप आओ, आओ। अरे वाह 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 वाह, लाल और सफेद, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं क्या सबके सब? क्या रंग बदलते हो शेरगिलो, वाह। प्लीज प्लीज इन दोनों को छोड़ दो। है क्या? इन दोनों को छोड़ दो। से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, पर मैं भी कहां इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला हूं।
रोबी जल्दी ये लो। हाँ सिमरन राशि जल्दी ये लो दे दो मुझे। ये लीजिए बड़ी मॉम ने दिया जल्दी। भाभी जल्दी जाइए आप दोनों जल्दी रेडी हो जाइए जाइए। अरे क्या है ये धुआं? ये धुआं क्या है? मेरी आंखों में जा रहा है सारा धुआं। हटाओ हटाओ अरे हटाओ नहीं दे रहा क्या सब का धुआं धुआं कर दोगे हटाओ। ताली का दिन मिल गया हो लेकिन तू हमें कभी मार नहीं सकती। तू शैतानों की शैतान है बुराई का पुतला है लेकिन तू अच्छाई को कभी हरा नहीं सकती। आज दशहरा है दुर्गा माँ वापस जा रही है लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक आशीर्वाद दिया है तुझे हराने का आशीर्वाद और दशहरा का मतलब ही होता है हरा। हर जगह में एक महिषासुर है तो एक देवी भी है और जब जब तुझ जैसे पिशाचनी आती है वो महिषासुर मर्दिनी भी आती है। महिषासुर मर्दिनी की जय। सब कुछ भूलने की एक्टिंग कर रहा था इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। कौन हो तुम? रक्षक। और जब तक रक्षक जिंदा है तुम इन दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकती। रक्षक आप सब बाहर चलिए आइए आप सब बाहर चलिए
चलो सब लोग जल्दी से इस पंख पे चढ़ जाओ। राशि, बड़ी मॉम, ऐश मॉम, जल्दी आ जाइए। ओजस चाची, जल्दी इस पंख पे चढ़िए। रोमी, जल्दी लाओ सबको। राशि, जल्दी चढ़ जा। देख पाताली, रात अब भी खत्म नहीं है, अब भी हम उन्हें ढूंढ ढांड के पकड़ सकते हैं और तू उन दोनों चूहियों को मार दे। अरे दिखा दे सबको कि तू इस धरती पर जिस काम के लिए आई थी वो काम तूने कर दिया, वरना तेरा आना भी बेकार और जाना भी बेकार, समझी? क्या ऐसे क्या घूर रही है मुझे? हाँ, बर्फ का बना के मुझे भी जमा देगी। कुछ नहीं कर सकती तू, समझी ना? तेरा ये जादू है ना, मुझ पर असर नहीं करेगा। पिशाचनी हूँ मैं, पिशाचनी। चल अब। मुझे तो अनजान की तरह ही उड़ने में मजा आता है। तो क्या आप भी हमारी सवारी की तरह इतने सारे लोग लेकर उड़ सकते हैं? पर बच्चों, वो साचनी और पता नहीं वो हमारे पीछे तो जरूर आएंगी। क्या वो पता नहीं लगा लेंगी कि हम सब कहाँ हैं? हाँ माँ, पता तो लगा लेंगी, पर हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा उससे बचने का। या यूँ कहूँ कि सुबह का सूरज उगने तक हमें उससे बचना होगा। बड़ी मॉम, आज तो पाताली हमें मार देना चाहती है, क्योंकि अगर आज की रात निकल गई ना तो हमें मारने का मुहूर्त और मौका वो दोनों गवा देगी। हाँ, वो देखो, वो देखो, नीचे जंगल है। चलो हम इसी में छुप जाते हैं। जंगल? नहीं, एक काम करते हैं, जंगल में नहीं चलते, उड़ कर ना किसी फॉरेन कंट्री चलते हैं, वो दोनों वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। हाँ, हम यूके चलते हैं। राशि, नहीं, यूके में बहुत ठंडी है, सिंगापुर चलते हैं। अरे बस बस, कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। सुनो, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम सब घर चले जाए, तुम तीनों नहीं, हम सब। हाँ। वहाँ जाकर हम कुछ ऐसा वैसा करेंगे, उनका ध्यान भटका देंगे ताकि आज की रात निकल जाए। एक्चुअली भाभी, चलते हैं, अच्छा आइडिया। प्लान में तो दम है, चलते हैं। क्या दम है? कोई दम वम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे दम है, हम वहाँ जाकर उन दोनों को गुमराह करेंगे और फिर तुम तीनों वहाँ। बस बस, अगर आप सबके प्लान्स बन गए हो तो मैं बताऊँ करना क्या है। उफ़, ये पाताली भी पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई। पत्तू, पाताली मेरी प्यारी बेटी, कहाँ चली गई है? अरे आ भी जा। काया पलटी हो गई, किसके लिए तैयार होके आई है? तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा, मुझे नहीं बताएगी? बताऊंगी बताऊंगी,
वैसे भी कब से बैठकर ना मैं यही प्लानिंग कर रही थी कि आगे करना क्या है। हाँ दिख रहा है क्या प्लानिंग करके आई है तू, ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश, ये मेकअप, फैशन की दुकान बन के आई है। ओहो खुद तो शोरूम बन के घूमती उड़ती रहती हो। हर्षमिन थोड़ा सा मेकअप क्या कर लिया, तुम बड़ी चालू होने लगी। ए पाताली, पाताली को भी शौक नहीं है पाताल की चुड़ैल बन के घूमने का। मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे भी तो सचिन से बनने का शौक है। खैर ये सब छोड़ो, चलो शेरगिलों को ढूंढते हैं। मैं भी यही सोची थी पहले। कब, जब तुम्हारा रखो सुना तुम्हें उल्लू बना रहा था। ए पाताली मुझे ताने मत मार समझी ना, वैसे मैं भी एक बहुत बड़ा तीर मार के बैठी हूँ। इस शेरगिल परिवार के एक सदस्य को मैंने अपना जासूस बना लिया है। तो इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। पहले तुझे बताने का मौका ही कहाँ मिला, और अब मौका मिला तो तुम मेकअप की दुकान खोल के बैठ गई है। हा? अच्छा अच्छा ठीक है, अब टाइम मत वेस्ट करो, ये बताओ करना क्या है। मिस्टर शेरगिल प्लान क्या है आपका। मिस्टर शेरगिल हम सबका एक साथ ना रहने वाला प्लान सही है। हाँ कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ चले जाते हैं। नहीं नहीं ऐसे कैसे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आधे लोग घर चले जाएं और आधे लोग बाहर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि घर पर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, पर हम बाहर रहकर भी उनका ध्यान भटका सकते हैं। आज की रात तुम दोनों की जान खतरे में है, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा और बाकी सब लोग एक साथ रहेंगे, राइट। हाँ जीजू ये सही है। और अगर पाताली और शास्त्री ने तुम्हें पकड़ लिया तब। हाँ उन दोनों को नहीं बताएंगे कि आप तीनों कहाँ पर। नहीं नहीं तुम उन्हें बताओगी। क्या? हाँ आप सब उन्हें ये बताएंगे कि हम सब एक साथ नेशनल हाईवे पर थे, उसके बाद दिव्य दृष्टि और मैं यहाँ से। लेकिन हम उन्हें क्यों बताएंगे। हाँ जीजू हम उन्हें क्यों बताएंगे तुम तीनों एक साथ हो। बताना पड़ेगा क्योंकि हम तीनों के पास पावर्स हैं, हम उनके साथ लड़ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, पर आप सबके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, इसीलिए आप सब उन्हें बता देंगे कि हम तीनों कहाँ पर हैं। उस बहाने से वो आपका पीछा छोड़कर हमारे पीछे आ जाएंगे, राइट। हाँ लेकिन भैया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये प्लान बिल्कुल सही है, हम सब तैयार है ना। सुनने में ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है ये प्लान काम कर जाएगा। हाँ मैं भी आया। तो आप हम तीनों के साथ चलेंगे। अरे लेकिन महिमा भाभी क्यों जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ इसीलिए क्योंकि मैं मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये उन दोनों को कभी नहीं बताएंगी कि हम तीनों कहाँ गए हैं, और हमारे जाने के बाद ये आप लोगों को भी इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी कि आप ना बताएं। रक्षितों की बात तो बिल्कुल ठीक है, हम इतना बड़ा रिस्क लेके आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो मॉम आप हमारे साथ चलिए। बेटा प्लीज। नहीं मैं वो मॉम आप मॉम हो इसलिए आप ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओके आप हमारे साथ चलोगी बस। अच्छा ठीक है। यस राशि बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ तुम सभी अपने आप को संभालना प्लीज। कुछ होगा तो नहीं ना हमें। चाची आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों है ना, कुछ नहीं होने देंगे। हाँ प्रॉमिस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।